हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी आजकल पड़ रही है और बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। तो गर्मियों में क्या होता है कि जो इतनी गर्मी पड़ रही है तो जो छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो वो बहुत सी बीमारी उनके आ जाती है, बहुत से बीमार बच्चे हो जाते हैं, बहुत सी बीमारी हो जाती है। तो अब डॉक्टर के पास हम लोग लेकर के बच्चे को जाते हैं, तो हम क्या करें कि अपने बच्चों को ये गर्मियों में अपने बच्चे को घर में ही ठीक कर ले। हम क्या करें पेरेंट्स कि हमारे बच्चे गर्मियों में किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो और हमारे बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे। पेरेंट्स, सबसे पहले तो आप गर्मियों में अपने घर में ओ आर एस तो जरूर रखें। जैसे कि बच्चे को अगर दिन में 3-4 बार उल्टी और या 10 बच्चे को पोल्टी 3-4 बार आती है दिन में, तो हमको जरूर से जरूर ये अपने आप करना चाहिए कि वो जो ओ आर एस का घोल होता है तो उसको हमको बच्चे को जरूर से जरूर पिलाना चाहिए। और गर्मियों में पेरेंट्स बच्चों को बोतल भर के दूध एकदम से एक साथ नहीं पिलाना चाहिए। ये माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं तो वो भी एक साथ नहीं पिलाना चाहिए। बच्चों को रुक रुक करके 1-1 घंटे के बाद में दूध को देना चाहिए। अगर पेरेंट्स आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो बच्चे को धूप में लेकर के जाए, वरना बच्चे को कभी भी धूप में लेकर के बच्चे को ना निकलें। अगर बच्चा आपका 6 महीने के ऊपर का हो गया है तो बच्चे को दही, काला नमक डाल करके बच्चे को दही और छाछ जो मट्ठा बोलते हैं उसमें भी काला नमक डाल करके बच्चे को जरूर से जरूर खिलाएं। और पेरेंट्स एक बहुत ही रामबाण दवा हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो बच्चों को हो या अन्यथा ये बड़ों को हो, जैसे कि लू लग जाती है, बच्चे बहुत बार पोटी जाते हैं, बच्चे बहुत बार उल्टी करते हैं या बड़े लोग बहुत बार उल्टी और लेटरिन जाते हैं और बच्चों को फीवर आ जाता है, तो वो गांव में आपको मिल सकता है। उसको जो चने का साग आप लोग जानते होंगे, तो वो चने का साग तोड़ करके उसको सुखा लिया जाता है, उसको सुखसा बोलते हैं। तो वो अगर वो आप लोगों के यहाँ गांव में मिल जाए तो इतना सा केवल भिगो दीजिए, 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए और बच्चों के तलवों में और बच्चों के ये हाथ की हथेलियों में इसमें हल्के से मसाज करिए और बच्चों का सारा जो पोटी है, दस्त वगैरह, उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चे को फीवर आ रहा है तो वो, और बच्चे को लू लगी हुई है, आपका मिनटों में वो बच्चा सही हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है तो वो थोड़ा सा साग ले, चने का सुखसा बोलते हैं उसको, सूखा हुआ होता है इसलिए उसको सुखसा बोलते हैं, तो उसको थोड़े से पानी में भिगो दे। जब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भीग जाए, यानी कि बिल्कुल वो पत्तियां जो हैं रोज की बिल्कुल हाथ में ऐसे मसलने लगे, तो वो पत्तियों के सहित थोड़े से पानी में भिगोएं, ज़्यादा पानी ना डालें, तो वो पत्तियों सहित बच्चों के पैरों के ये तलवों में मसाज करिए और हाथों के इसमें वही साग से सुखसा को लेकर के जो फुलाया है आपने, भिगोया है, तो उसी से इन हाथों में और इनमें इस तरीके से मसाज करिए। अगर बड़ों को भी ये चीज़ है तो बड़ों के भी आप करिए, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा अगर आपके पास है और आप जल्दी से ध्यान दे देंगे तो। बहुत ही ज़्यादा रामबाण दवा है जो बच्चों को लू लग जाती है, बच्चों को पोटी आने लगती है, बच्चों के जो उल्टियाँ होने लगती हैं और बच्चे को फीवर आ जाता है, तो ये सब की दवा यही है, सुखसा जो बोलते हैं। अगर आप इसका हो आपके पास प्रयोग करें, इसको लगाएं दिन में 1 बार या 2 बार लगाएं सुबह शाम, बिल्कुल बच्चा आपका फिट रहेगा गर्मियों में और दुरुस्त रहेगा और बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। ओ माय डियर पेरेंट्स, ऐसे ही छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे से बच्चों को की अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।